बगल में है इस समय ताजा, यानी कि यहाँ से लगा लो अपने गाड़ी, यहाँ पर खड़ी कर रखी है और थोड़ा यहाँ का नजारा ले। किला 102 और पू है, नजारा मैं आपको यहाँ का मस्त दिखाई देता हूँ आपको। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में आई बेल घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की मेरी जानकारी मिलती रहे। बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों, मेरे चैनल में आपका। तो दोस्तों मैं जा रहा हूं इस समय काजा किन्नौर की ओर, आप देख रहे हैं रोड का सफ़र नज़ारा, क्या मस्त नज़ारा है यार यहां पे। मैं तो कहता हूं दोस्तों कि आपको भी यहां पर आना चाहिए, कभी साल भर में एक बार यहां ज़रूर आइए और यहां का नज़ारा का लुत्फ़ तो आप ज़रूर उठाइए। दोस्तों मैं पिछले बार भी यहां आया था और इस बार भी आ चुका हूं और शायद अगली बार फिर यहां पर दोबारा आऊँगा, यानी कि मैं यहाँ पर आते रहूँगा और आप लोगों को मैं यहाँ पर नज़ारे दिखाते रहूँगा। दोस्तों रोड बहुत मस्त है यहाँ पे और जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ यहाँ पे और खाइयाँ, पुल देखिए क्या नज़ारा है इसमें। इसमें चलने से एक अलग ही फील होता है कि जैसे कि हम लेह लद्दाख की यात्रा कर रहे हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं ये हो सारा आर्मी एरिया है पूरा और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आर्मी के ट्रक खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे जो है पूरा आर्मी एरिया है और रोड भी बहुत अच्छी है जैसे कि आप देख रहे हैं, मस्त बिल्कुल गाड़ी चलाने में ऐसा मज़ा आ रहा है कि दोस्तों कि क्या बताऊँ। जब कभी भी अगर आप आएँ तो ज़रा सा संभल कर आएँ, कहीं पर बीच बीच में अचानक रोड थोड़ा बहुत। गाइज यहाँ पर भी एक डैम है और आप देख रहे हैं सामने जो गुफा दिखाई दे रही है वहाँ से नदी जो है बाहर आ रही है और 5 किलोमीटर ऊपर गुफा के अंदर प्रवेश कर रही है और यहाँ से बाहर आ रही है, आप देख सकते हैं। तो गाइज आखिर हम पहुँच गए हैं ठीक कल्पा किन्नौर के नीचे खड़े हैं और ये एरिया पूरा किन्नौर का होता है। ऊपर को जाएंगे तो हम कल्पा पेयों की तरफ पहुँच जाएंगे और सीधा निकलेंगे तो हम काजा की तरफ, तो हम जा रहे हैं काजा की तरफ, थोड़ा आगे रुकेंगे।
गाइज यहाँ पर ज़्यादा नहीं, केवल 5 मिनट यहाँ पर रुकना है और थोड़ा सा बाहर रुक के आते हैं और फिर आपको थोड़ा नज़ारा दिखाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। नमस्कार, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल उमेश पांडे में स्वागत है दोस्तों आपका। हम पहुँच चुके हैं कल्पा किन्नौर में है इस समय, और किन्नौर का नज़ारा क्या, यहाँ तो ठंड बहुत लग रही है। और हम जा रहे हैं यहाँ से अब काजा की तरफ, और वहाँ पर जो रोड थी ऊपर को वो चाहिए कल्पा पियोंग के लिए, और हम इस रोड में निकल चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से जाना है काजा, यानी कि यहाँ से लगा लो कि 250-250 किलोमीटर हमें और निकलना है। तो आगे का नज़ारा कैसा होगा, क्या होगा, ये हम आपको आगे जाते ही दिखाएंगे। और अभी हमने गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर रखी है और थोड़ा यहाँ का नज़ारा ले रहे हैं। मस्त शिप किला 102 और पू है 60 किलोमीटर, तो पू में जाके हमने अभी तेल भरना है अभी। तो एक नज़ारा मैं आपको यहाँ का मस्त दिखाई देता हूँ आपको, क्योंकि आप भी कहोगे यार कहाँ गया ये। तो ये है जी, अगर सामने बर्फ़ पड़ी है, बर्फ़ से ऐसी हवा निकल रही है कि आप क्या। तो गाइज ऊपर चट्टान खसकने का डर भी है, यहाँ डर लग रही है अगर हो सकता है यहाँ पत्थर गिर जाए। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा रुकना नहीं है क्योंकि अभी हमें आगे जाना है, खाना बनाना है। तो एक जगह पर हम खाना बनाएंगे और उसके बाद फिर हम सीधा निकलेंगे, दिन भर का खाना खा लेंगे तो शाम को वहीं जाके होगा। और गाइज बहुत मस्त है यार, मैं तो कह रहा हूँ यार कभी शहर से आप भी यहाँ आइए एक बार, देखिए, हिम्मत बनाइए बस। और बाकी थोड़ा सा डेंजर एरिया है, चारों तरफ पहाड़ी एरिया है पूरा, और धीरे धीरे करके चल रहे हैं। जहाँ पर शाम रात हो जाएगी तो वहीं पर हम रुक जाएंगे। तो हमारे भी कुछ बाइक में सामान का कुछ एंचर पेंचर ढीले हो चुके हैं। तो गाइज हम यहाँ से निकल पड़े हैं और एंचर पेंचर ढीले कुछ नहीं हुए थे, थोड़ा बैग लूज हो गया था, उसको हमने टाइट किया और यहाँ पे ज़रा फोटो वोटो खींचे और उसके बाद तुरंत निकल गया, क्योंकि यहाँ पर भय है पत्थर गिरने का। आगे जैसे आप देख रहे हैं रोड बहुत डेंजर होती जा रही है, तो आगे का नज़ारा आपको दिखाते हैं। और अब बोलना थोड़ा बंद करना पड़ेगा क्योंकि रोड बहुत डेंजर है, तो मुझे ध्यान रोड पर लगाना पड़ेगा। तो चलते हैं, आप देखते रहिए। तो दोस्तों ये है रोड यहाँ का, और काफ़ी डेंजर रोड यहाँ से मुझे लग रहा है कि काफ़ी डेंजर रोड आ रही है अब, और मुझे सावधानीपूर्वक चलना होगा। और आप लोग भी बोर मत होइएगा, मुझे रोड दिखाना ही दिखाना था क्योंकि मैं आप सबको ये दिखाना चाहता हूँ कि काजा स्पीति जाने के लिए रोड कैसी होती है। क्योंकि गाइस जब मैं दिल्ली वापस आता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि वहाँ रोड कैसी है, कैसे वहाँ व्यू है, कैसे पहाड़ है। तो इसीलिए मैंने आज ये वीडियो आपके लिए बनाई है और बाय रोड मैं काजा तक आपको दिखाऊंगा। गाइज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाने के कारण, तो आप भी कहोगे यार ज़्यादा लंबी वीडियो बना दी इसने, तो इसको इसे यहीं पर समाप्त करना हूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कॉमेंट ज़रूर करना, लाइक करना और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगला भाग ज़रूर देखना, उसमें आपको एक से एक नज़ारे काजा और रोड के डेंजर रोड आपको देखने को मिलेंगे। फिर मिलेंगे एपिसोड 6 में, और तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।